तो गाइस आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ पे 5 बकेट्स आप बाहर देख रहे हो, एक फिश बॉल यानी कि। तो मैंने क्यों रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, धूप पे मैंने इनको रखा हुआ है। पहले वाले में है श्रिम्स, क्योंकि इसमें बहुत एलजी लग गया है, इसको साफ करना है, और इन श्रिम्स का जो है नया सेटअप बन रहा है तो उनको ट्रांसफर करेंगे, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। सेकंड में है कुछ फिश फ्राइज जो अभी रिसेंटली हुए हैं, कुछ 1 वीक से ज्यादा हो गया है इनका टाइम, तो इनको फिलहाल तो मैं धूप में रखता हूँ ताकि जो है इनका टेम्परेचर मेंटेन रहे, बहुत ठंडी ना हो, तो फिर पता नहीं, क्योंकि ठंडी में फिश फ्राइज ज्यादा मर जाते हैं, और मैं हीटर भी यूज नहीं करता इसके वजह से। एंड इसमें है हमारे सारे सिकलेट्स के बच्चे जो हमने कल खरीदे थे। इधर हमारे ये फिश है, तो ये जो बलून मॉली इसको मैंने अभी भी डाला है, बाकी दोनों आप देख रहे हो ये हमारे उस मॉन्स्टर टैंक में थे, और इन दोनों ने इतना एग्रेसिवनेस इन्हें दिखाया वहाँ पे, तो इनको मैंने निकाल दिया है और अभी दोनों बिल्कुल ठीक है। एंड ये सिकली थोड़ी सिक हो चुकी है, क्योंकि कल लेकर आया था, तो अभी इसको टेम्परेचर ये एडजस्ट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने इसको बाहर रखा हुआ है, इसको ठीक करना है मुझे, उसके बाद हम इसको उनके साथ मिला देंगे। तो गाइस आप लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हो अगर आपकी फिश के साथ ऐसा सिमिलर इश्यूज है।